सात मैच खेलकर ही यशस्वी जायसवाल ने बर्बाद कर दिया इन तीन ओपनरों का करियर। जब जब जायसवाल का बल्ला बोलता है तब तब इन तीन खिलाड़ियों का खून खोलता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से सात मैच खेलकर ही जायसवाल ने तीन तीन ओपनरों का करियर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, सब कुछ बताएंगे आज किस बेहद ही खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी हो टीम इंडिया और जायसवाल के फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय अब पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेल रही है, जिसकी शुरुआती तीन मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों, तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने 434 रनों की बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस हुआ और टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहले इनिंग में 445 रनों का विशाल स्कोर इंग्लैंड के सामने रखा। ऐसे में इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने आती है तो कुछ अच्छा नहीं कर पाती है और 319 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। लेकिन सबकी निगाहें तब टिक गई जब दूसरी इनिंग में जायसवाल ने तूफानी पारी खेलना स्टार्ट कर दिया और सेकेंड इनिंग में दोस्तों जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ दिया। 236 गेंद खेलते हुए यहाँ पर जायसवाल ने इस मुकाबले में दोहरा शतक जड़ा, जिसमें 14 चौके और 12 छक्के शामिल थे। जायसवाल की इस धुआंधार पारी के बदौलत टीम इंडिया ने यहाँ पर इंग्लैंड टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया और फिर भारत टीम ने इस मुकाबले को दूसरी पारी में इंग्लैंड को महज 122 रन पर ही ऑल आउट करके मुकाबले को बड़ी आसानी से 434 रनों के बड़े अंतर से जीत जाती है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां भारत टीम ने तीसरा मैच जीती है, वहीं यशस्वी जायसवाल के दोहरा शतक से उनको काफी ज्यादा तारीफें हो रही है। क्योंकि बात करें दोस्तों यशस्वी जायसवाल की सीरीज में, तो यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज में अभी तक 6 इनिंग में बल्लेबाजी की है, जिसमें 109 के शानदार एवरेज से 545 रन बनाए हैं, जो दिखाता है कि इस वक्त यशस्वी जायसवाल का फॉर्म कितनी ज्यादा बेहतरीन है। अब बात करें दोस्तों जायसवाल की, लेकिन इसकी वजह से, इनकी खतरनाक फॉर्म की वजह से भारत के तीन तीन ओपनर का करियर पूरी तरीके से अब खत्म हो गई है। उनमें सबसे पहला नाम आता है पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ उन बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे जो टीम इंडिया का बेहतरीन ओपनर माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि शिखर धवन के बाद टीम इंडिया में उनकी जगह लेंगे एज ए सचिन तेंदुलकर। जो सचिन तेंदुलकर का काम हुआ करता था वो पृथ्वी शॉ पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी शॉ लगातार खराब फिटनेस और कई विवादों के कारण टीम इंडिया से बाहर रहे और अब उनकी जगह पर दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल कमाल कर रहे हैं। दूसरा नाम निकल कर आता है दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट में सनसनी मचाने वाले मयंक अग्रवाल का। डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब अच्छे रन बनाने के बाद जब इनको टीम इंडिया में मौके मिले तब ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, अब यशस्वी जायसवाल के शानदार प्रदर्शन से अब इनको टीम इंडिया में मौका नहीं मिलेगा, ये इस बात का मोहर लगा दिया यशस्वी ने दूसरे इनिंग में दोहरा शतक जड़ के। तीसरा नाम दोस्तों भारत टीम का वन ऑफ द बेस्ट ओपनर का नाम है और वह नाम है शिखर बेफिकर धवन का। शिखर धवन आपको पता ही है टीम इंडिया के यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग में एक बहुत ही बड़ी रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। जब टीम इंडिया आज से 3-4 साल पहले उतरती थी टेस्ट क्रिकेट में तो शिखर धवन के भरोसे ही उतरती थी। लेकिन आजकल दोस्तों शिखर धवन टीम इंडिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब इनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल जैसे नए और यंग खिलाड़ियों ने ले ली है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की वजह से और किन किन खिलाड़ियों का करियर खत्म होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।